74वें वन महोत्सव के इस कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे खिजरी विधायक भाई राजेश कच्छप जी, विभाग के सचिव ख्यांगते साहब और हमारे पीसीसीएफ श्रीवास्तव जी, वन विभाग के सभी पदाधिकारीगण और साथ में हमारे प्रधान सचिव वंदना दादेल जी, विनय चौबे जी, उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथिगण और यहां उपस्थित वन विभाग से जुड़े हुए आप सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सबका आज के इस वन महोत्सव में मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है, शुभकामनाएं हैं, जोहार है। आज 74वें इस वन उत्सव में आमतौर पर तो हम लोग इस दिन वृक्षारोपण का काम करते हैं और ये वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन इस बार वन विभाग के तरफ से राज्य में जंगलों को कैसे बचाया जाए, पेड़ों को कैसे बचाया जाए, इस कड़ी में कुछ नई चीजों को जोड़ने का शुरुआत हुआ है। आप सबको मालूम है कि झारखंड के लिए जंगल कितना महत्व है और झारखंड के नाम से ही आपको सुनने से यह लगेगा कि यह जंगलों का प्रदेश है। जब राज्य अलग हो रहा था तो कुछ लोगों ने इस राज्य का नामकरण में भी बदलाव करने का प्रयास किया था कि ये झारखंड नहीं बल्कि वनांचल इसका नाम हो, लेकिन हमारे आंदोलनकारी नेताओं ने सदियों से इस राज्य को झारखंड के रूप में ही देखा और झारखंड के लिए और इस राज्य के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। यहां के मूलवासियों ने, यहां के आदिवासियों ने और एक अंतोगत और लंबी लड़ाई के बाद 30-35 साल, 40 साल की एक लंबी लड़ाई, लंबी आंदोलन, अनगिनत लोगों की शहादत कुर्बानी के बाद आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में 2000 ईस्वी में यह राज बना। और जैसे कि हमारे आंदोलनकारियों की आंदोलन ही झारखंड राज्य के लिए हुआ था तो नाम भी इसका झारखंड पड़ा। झाड़ झंखड़ों का ये प्रदेश, झारखंड प्रदेश
इस देश में सबसे अलग और कहा जाए कि बहुत ही महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। इस राज्य को हम लोग तो जल जंगल जमीन के लिए, यहां के लोगों ने इस राज्य को अलग करने का काम किया, यहां के मूलवासी आदिवासियों को जल जंगल जमीन से ही मतलब रहा। लेकिन आपको इस बात का भी जानकारी होगा कि इस राज्य को जल जंगल जमीन के लिए तो हम लोग इसको बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन दुनिया का लोग और देश का लोग इस राज्य को खनिज संपदा के लिए ज्यादा प्रेम करता है। क्योंकि इस राज्य में देश का लगभग 40-42% खनिज संपदा इसी राज्य में निकलता है, चाहे वो कोयले के रूप में, चाहे लोहे के रूप में हो, चाहे और किसी खनिज संपदा के रूप में हो। कोई ऐसा खनिज संपदा धरती में नहीं है जो इस राज्य में नहीं है। जो इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली खनिज है, जिसको परमाणु कहते हैं, उसका खनिज भी हमारे राज्य में है। और परमाणु को लेकर पूरे दुनिया में आजकल लोग अपने आप को सबसे बड़ा और सबसे बहादुर देश के रूप में गिने जाते हैं, और उससे जो परमाणु जिससे बनता है उसका खनिज हमारे राज्य में मिलता है।